ऐसा कि सिर्फ एक्टर नहीं है ये खबर तो सबको पता है, मगर क्या आप जानते हैं कि शाहरुख की VFX टीम काफी नाम कमा रही है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के शौकीन और बिजनेस के पक्के शाहरुख अपना धंधा हर जगह बढ़ाते जा रहे हैं। मूवीज की तो उनको कोई कमी नहीं है, मगर वो साइड में भी कई बिजनेस चलाते हैं, जिनमें से उनकी ये VFX की टीम आजकल बहुत कमाल कर रही है। बस इसी VFX टीम को डॉन 3 में कैसे करेंगे शाहरुख खान यूज, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की VFX टीम ने कई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स संभाले हैं। डार्लिंग्स, बदला, जीरो, चेन्नई एक्सप्रेस, रावण जैसी कई मूवीज हैं जो इस टीम ने बहुत अच्छे से संभाली है। अब बताइए, पुलिस डॉन को ढूंढेगी, ये तो नया है। डॉन तस्करी करते दिखाया जाएगा, ये भी कोई नई बात नहीं है। काफी टाइम लगा इस VFX टीम को अपने इफेक्ट सही करने में, मगर अब इनकी पकड़ टेक्नोलॉजी पर अच्छी खासी हो गई है। अब टीम को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, इनके क्लाइंट्स भी अब बन चुके हैं, और जॉन 3 के लिए भी शाहरुख और फरहान अख्तर ने रेड चिलीज की इसी VFX टीम को साइन करने का डिसीजन लिया है। मगर क्यों? क्या 3D होगी जॉन 3? मगर डॉन जैसी सीरीज को 3D कर मेकर्स ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं? मेकर्स की माने तो डॉन हमेशा कुछ अलग करता है, और वो भी स्टाइल में। अगर तस्करी दिखानी है तो लोगों का माइंड किसी और चीज में तो उलझाना पड़ेगा ही, और यही चर्चा आपस में डॉन 3 के डायरेक्टर फरहान और खुद डॉन यानी शाहरुख खान कर चुके हैं। ऐसे में तो कुछ अनोखा दिखाया जाएगा डॉन 3 में, और ये नयापन आपको देखने को मिल सकता है। ये इंटरेस्टिंग सीन होगा हवा में चेज का। आई नो समझ नहीं आया होगा, मगर इसीलिए तो हम है ना। हाल ही में पठान के एक सीन में आपको याद है कैसे शाहरुख खान और जॉन एक दूसरे के पीछे जा रहे होते हैं? ये सीन मूवी के बहुत अंत में दिखाया जाता है, जब दोनों ने कुछ पंखों जैसा कुछ पहन रखा होता है और दोनों हवा में एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दरअसल मशीन के फेदर्स थे जो दोनों ने पहन रखे थे सीन में। अब असलियत में तो दोनों ने ये जोखिम उठाया नहीं होगा, तो बस यही काम आया था VFX। दोनों ने वो सीन शूट किया था स्टूडियो में, जिसके बाद में कंप्यूटर की मदद से या यूं कहे स्पेशल VFX एडिटिंग की वजह से इतना रियल दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो ये फेक सीन लग रहा था, और वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। तो बस ऐसा ही सीन डॉन 3 में भी दिखाना चाह रहे हैं SRK। नहीं, इस सीन में उन्होंने पंख नहीं पहने होंगे, बल्कि इस सीन में तो डॉन खुद एक प्लेन उड़ा रहे होंगे। जी हाँ, आज तक आपने डॉन को कार्स में भागते हुए देखा होगा, ट्रेन पर भागते हुए देखा होगा, ब्रिज के ऊपर से देखा होगा, टनल के अंदर से, बाइक पर बैठकर, लेकिन ऐसा सीन जिसमें एक प्लेन में डॉन होंगे और दूसरे में पुलिस, शायद ही आपने कभी देखा होगा। और चलो मान लेते हैं कि ऐसा कोई सीन हो भी, तो इस बार डॉन 3 के मेकर्स इस सीन को अलग लेवल का दिखाना चाहते हैं। जैसा कि हमने कार्स की चेजिंग को इतना अप्रिशिएट किया है, वैसे इस बार मेकर्स इस प्लेन के सीक्वेंस को कमाल का विजुअली अपीलिंग दिखाना चाहते हैं। वैसे SRK अपनी टीम को हमेशा से सराहने वाले हैं, मगर ऑडियंस को इम्प्रेस करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें भी आपकी तरह इंतजार रहेगा कि कब VFX टीम इस सीन को एडिट करती है और कैसे ये सीन हमें इम्प्रेस कर पाता है। डॉन 3 के ऐसे ही कुछ सीन्स इससे सबसे अलग बना सकते हैं। देखना ये होगा कि क्या डॉन के रेड चिलीज के साथ हाथ मिलाने से होता है कुछ कमाल या नहीं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।